अमृतसर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो हीरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 8 किलो हीरोइन बरामद किया है। मिलावटी के दौर में यह आरोपी मिलावटी हीरोइन को बाजार में बेचने का काम करते थे। दरअसल यह पाकिस्तान से हीरोइन के अंदर दिल्ली से खरीदा हुआ नशीला पाउडर मिलाकर उसको हीरोइन बनाकर बेच देते थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये लोग जेल में बंद सनी प्रताप सिंह से मिलकर ऐसे काम को अंजाम देते थे। ये जो पाउडर है वो ये मिक्स करते थे, कभी कभी 50-50% करके जो बेच रहे थे। बेसिकली ये पहले भी इनके खिलाफ जो पर्चे दर्ज हैं, जो मेन अक्यूज्ड है इसमें एरिक, इसके खिलाफ 4 मुकदमों में ये ऑलरेडी हमारा पीओ था, और इनका एक साथी है सनी प्रताप, वो जेल में बंद है। इन्होंने एक अपना ही ग्रुप बना रखा था और ये जो पाउडर है, पाउडर को हिरन में मिक्स करके कभी उसमें 20% कभी 25%, अब इसने 50% मिक्स करके इसने जो पूछताछ में बताया कि वो उसने सेल की। इतना ही नहीं, ये केमिकल पाउडर इन्हें 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुहैया कराया जाता था। इस मामले में पहली बार सामने आया कि हीरोइन में केमिकल पाउडर मिलाकर नकली हीरोइन भी बनाई जा रही है। इस आरोप में गिरफ्तार आरोपी एरिक ने भी स्वीकार किया कि वह पिछले 2-3 महीने से ये काम कर रहा है। उसने बताया कि इस काम को करने के लिए तस्करी के आरोप में जेल में बंद सनी प्रताप सिंह ने जेल से फोन कर जानकारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अमृतसर से अमन महल की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।